हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज हम पकाने वाले हैं कॉकरोच। जी हां, जो आपने टाइटल में देखा वो एकदम सही देखा। आज हमारे पास में है कॉकरोच। कहां पर है कॉकरोच? है यहां पर। इसको करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो कॉकरोच है ये सोलर पावर्ड है, यानी कि ये चलता है सूरज से मिलने वाली रोशनी से। ये जो है असली का कॉकरोच नहीं है। कहीं आप लोग सीधा ही डिसलाइक मार के निकल लो कि आपने जो है इस कॉकरोच को क्यों मारा है। ये जिंदा नहीं है, ये मशीन है। और हम जो है इसको तेल में उबाल करके देखते हैं कि क्या ये उसमें काम करता है, क्योंकि काफी हीट भी होती है तेल के अंदर। और देखते हैं लास्ट में इसका क्या बचता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर है कॉकरोच। ऐसे तो नहीं चलता, लेकिन देखो जब मैं इसको धूप में रख रहा हूं तो यहां पर कितना तेज ये वाइब्रेट कर रहा है। और जितनी भी देर ये रखा रहेगा ना, ये पूरे दिन ऐसे ही करता रहेगा। ये इसका ऊपर का जो पैनल है ब्लैक कलर वाला, यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है और यहीं से इसको पावर मिल रही है वाइब्रेट करने की। इसके अंदर एक्चुअली एक मोटर लगी हुई है अंदर की तरफ में। तो अब ये जो कॉकरोच है इसको रखते हैं हमारे फ्राइंग पैन के अंदर। और भाई इसके जो आगे के टेंटिकल्स हैं उनको हम इस तरीके से जिधर चाहें उधर मोड़ भी सकते हैं। देखो तो इनको जो है कुछ ऐसे शेप में कर देते हैं जैसा असली में होता है। ठीक है, ये गया हमारा कॉकरोच। इसमें डालेंगे अब भाई तेल, जो कि ये सरसों का। हमारे पास में एक और कॉकरोच है देखो यहाँ पर, तो इसके ऊपर डालते हैं हम तेल। और भाई क्या कर रहे हैं यार, कॉकरोच चला गया हमारा तेल में। ओहो ठीक है, थोड़ा सा बचा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस कॉकरोच को बाहर निकाल लिया तेल से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले इस तेल को गर्म करते हैं। गैस स्टोव मैंने चालू कर दिया। तो भाई यहाँ पर हमारा तेल हो चुका है गरम। देखो इसमें कितना तेज यहाँ पर इस तरीके से धुआं निकल रहा है। छोटा सा पत्ते का टुकड़ा मैं आपको डाल करके दिखाना चाहूंगा। देखा आप लोगों ने, काला हो गया एकदम, जस्ट जैसे डालते हैं। इसका मतलब जो तेल है वो एकदम रेड हॉट हो रखा है। रेड हॉट तो नहीं कहूंगा, वो तो मेटल होता है। देखो तो भाई यहाँ पर है हमारा कॉकरोच, इसको डालेंगे और मैं हो जाऊंगा पीछे एकदम से। देखते हैं कि क्या होता है। और भाई ये तो भुन रहा है यार इसके अंदर। ओहो ओहो हो, ओह माय गॉड, ये क्या है यार। शिट भाई, पीछे रहो यार, पीछे रहो। ओहो भाई, जैसे ही हमने इसके अंदर डाला ना, मुझे तो लगा ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये तो भुन गया इसके अंदर पूरा, जैसे असली का कॉकरोच हो। मोटा हो गया कॉकरोच का, साइज बड़ा हो गया ना इनका कितना। अब इसको रहने दो, दो तीन मिनट फिर निकालते हैं इसमें। तो भाई लेट्स गेट इट आउट। ओहो ओ तेरी की, प्लास्टिक पूरा पिघल चुका है। ओहो यार देखो आप लोग एक बार जरा कि क्या हो गया इसका, अंदर की एक एक चीज बाहर आ गई। ये है इसका पैनल। और अभी भी दोस्तों ये काफी ज्यादा गर्म है। आप लोग देखो कि इसके अंदर एक मोटर है, वो बाहर निकल गई। ये है भाई इसका सोलर पैनल। और यहाँ पर है बॉडी जो कि एकदम फ्राई हो चुकी है। अगर असली का कॉकरोच होता तो शायद इतना तो वो भी नहीं हो पाता। जो इसके जो टेंटिकल्स थे या इसके जो हाथ पैर थे, उन सब के ऊपर प्लास्टिक की लेयर है। और देखो ये एक्चुअली में एक वायर है यहाँ पर, और जो वायर है उसके ऊपर कोटिंग थी प्लास्टिक की। ये था कॉकरोच। और भाई जो सबसे खास चीज इसके अंदर है वो है इसका सोलर पैनल। यही इसका एनर्जी हाउस है। सीधा सूरज से एनर्जी लेता है और कॉकरोच को देता है। ये जो मोटर है ये बिल्कुल वही मोटर है जो कि आपके फोन के अंदर होती है, जो वाइब्रेशन का काम करती है, वही कॉकरोच को भी वाइब्रेट करवाती है। काफी गर्म है तो इसको नीचे रख देता हूँ। इसमें एक खास फीचर ये होता है कि इसका जो हेड होता है वो आधा कटा हुआ होता है। देखो ये जो हेड है ना इसका, ये आधा कटा हुआ है यहाँ पर। और ये तो है इसकी बॉडी, बाकी एक दो छोटी छोटी वायर्स भी निकली हैं। तो सिंपली कुल मिलाकर के बात ये थी कि ये जो पैनल है ये एनर्जी लेता है, इन वायर्स के थ्रू मोटर में देता है, मोटर घूमती है तो वाइब्रेट होता है।